आईपीएल फीवर के डीएनए में आपका स्वागत है और मेरे साथ यहाँ पे एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। आज का मैच इतना इंटरेस्टिंग होने वाला था, किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये मैच आरसीबी की डोमिनेशन के साथ जीत जाएगी। बिल्कुल विराट कोहली की पहली पारी के बाद जिस तरीके से सेकंड इनिंग में भी आरसीबी ने बहुत अच्छी तरीके से बॉलिंग करते हुए मैच 60 रन से जीत लिया, उस बारे में आज हमसे बात करेंगे, पूरा स्कोर कार्ड डिस्कस करेंगे। अर्पित पहले तो ये बताइए कि आज कैसा रहा, आप आरसीबी फैन हैं, किस तरीके से रहा मैच? देखिए, आरसीबी की बात करें तो आज एक और डोमिनेटिंग विन है, और जब से ये स्ट्रीक चालू हुई है मेरे को एक मैच मेरे को अब बहुत ज्यादा खल रहा है, वो है केकेआर से जो 1 रन से हारी है। वो मैच और होता हमारे पास तो मुझे नहीं लगता कि प्लेऑफ में जाने से हमें कोई रोक पाता, क्योंकि अब हमारे 2 ही मैचेस बचे हैं, डीसी से और चेन्नई से। आज का मैच भी हमने पंजाब को बाहर कर दिया टूर्नामेंट से, उससे पहले भी हम देख रहे हैं कि जीटी को भी हमने ऐसे परेशान किया था। तो आरसीबी के सामने जो आ रहा है वो टीम बाहर होती जा रही है, तो उस नजरिए से मेरे को लगता है कि लो आज का मैच भी बहुत डोमिनेटिंग था। लेकिन मैं ये कहूंगा कि शुरुआत में जो राइली रूसो की पारी आई वहां से लग रहा था कि पंजाब ये मैच निकाल सकती है, लेकिन राइली रूसो के आउट होने के बाद पूरी तितर बितर हो गई पंजाब की इनिंग्स। फिर शशांक भी एक बार आपने देखा जिस तरीके से वो भाग रहे थे, फाफ डुप्लेसी डुप्लेसी के अंदर का फुटबॉलर जाग गया, फुटबॉलर जाग गया कि भाई येलो कार्ड यहाँ तो सर्जियो मिलता नहीं है। रेमोस आ गया उनके अंदर। हाँ, कि येलो कार्ड यहाँ तो मिलता नहीं है, तो यहाँ पर आप कुछ टैक्टिक्स यूज कर सकते हो। और इसमें देखिए, फाफ तो वहीं खड़े थे, शशांक का रन एक तरफ था कि वो देख ही नहीं पाए कि फाफ से मैं भिड़ भी सकता, उनको लगा था कि थोड़ा बहुत दोनों इधर हो जाएंगे, लेकिन वहां पर शशांक थोड़े से इंजर्ड होते हैं और मैच, फिर मैं कहूंगा कि उसके उनके आउट होने के बाद पूरा ही मैच खत्म हो गया। और इसमें सबसे बड़ा मेरे को रोल लग रहा है कि सैम करन का जो अब बैटिंग स्किल्स थी वो अब अच्छी तरीके से देखिए, नहीं आ रही, और लिविंगस्टन में पंजाब के लिए ऐसा हो रहा है ना कि जब सिमरन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बेसो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उतना जा नहीं रहा है, आशुतोष शर्मा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, शशांक सिंह परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो वो एंड तक उतना नहीं जा रहा है। और 240 अभी अगर आप चेस कर रहे हैं तो ओपनिंग बहुत जरूरी है। जी देखिए, पहली पारी की बात करें तो पहली पारी में अगर आपको हाईलाइट बताएं तो विराट कोहली एक बहुत बड़ी हाईलाइट थी, और जिस तरीके से बॉलिंग की बात रही तो आज केवीरप्पा का आज डेब्यू था, 2 विकेट उन्होंने लिए थे। उसके अलावा पाटीदार काफी अच्छा खेले थे, जी, कैमरन ग्रीन का दो कमबैक हुआ। फिफ्टी आई है हाँ तो विराट और उनकी, और इसमें दोनों की स्ट्राइक रेट 200 के करीब। ये थी पहली इनिंग्स की हाईलाइट। अगर आपको पूरी प्रॉपर हाईलाइट देखने तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं जाके, आप हमने फर्स्ट इनिंग्स हाईलाइट भी प्रॉपरली कवर करी है, अच्छा डीपली डिस्कशन कराया उस पर। सेकंड इनिंग्स की बात करें तो प्रभसिमरन सिंह कुछ खास नहीं कर पाए, 227 रन, रूसो अच्छा खेल रहे थे, शशांक सिंह के साथ बहुत बढ़िया चल रहा था उनका, शशांक सिंह ने जी भी कहीं ना कहीं एंड में मतलब वो रनआउट हो गए, वरना वो भी शशांक सिंह ने देखा कि मैच निकाल जानते हैं। उन्होंने भी आज 19 बॉलों में 37 बनाए। राइली रूसो 27 बॉल्स में 61 रन, 225 का स्ट्राइक रेट, तो ये दोनों बैट्समैन थे, उन्हें क्योंकि पंजाब के फॉलो लिए अप काफी विकेट अच्छे। देखिए, 9 ओवर में 107 रन पे तीसरा विकेट गिराया राइली रूसो को, ये मतलब आपको रन इसके बाद चाहिए 134, जी तो उस नजरिए से देखे तो बन सकते थे 11 ओवर में बिल्कुल एक सौ बिल्कुल चौंतीस आपको 12 के करीब का आपका रिक्वायर्ड रन रेट होता। बन सकते थे, तो काफी ज्यादा मैं कहूंगा डिपेंडेंसी हो गई आशुतोष शर्मा पे, और लिविंगस्टन की वापसी हुई थी आज के गेम में, काफी उम्मीदें होंगी, मगर आज भी परफॉर्म नहीं करा। शून्य। इनफैक्ट सैम करन परफॉर्म नहीं कर पाए, कैप्टन स्नॉक की उम्मीद होगी पंजाब किंग्स और को, इवन जितेश बहुमति भी को कहूंगा मिला। मैं, मुझे इस बहुत सारे लोगों को जितेश उम्मीद थी कि वाइस शर्मा, कैप्टन है। जितेश शर्मा एंड इवन ध्रुव जुरेल, दोनों जो अपकमिंग राइजिंग स्टार्स हैं इंडियन क्रिकेट टीम के विकेट कीपर्स की बात करें तो दोनों ने आज फ्लॉप, दोनों का ही मतलब ये पूरा पूरा सीजन सीजन फ्लॉप जा रहा है, एक भी नॉक मुझे नहीं याद है कि ध्रुव जुरेल के बैट से आई या जितेश शर्मा के बैट से ध्रुव आई। जुरेल की मैं एक ही नहीं कहूंगा, जो उन्होंने संजू सैमसन के साथ मैच जिताया था वो एक सर परफॉर्मेंस, 25-30 रन बनाए, 25-30 रन बनाए थे, वो बहुत इम्पैक्टफुल मैं थे। वो लेकिन तो ओवरऑल अभी भी मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके के दिनेश कार्तिक ने परफॉर्मेंसेस दी है, या फिर हम संजू सैमसन ऋषभ पंत इनकी बात करें, वहां पर अभी ये नहीं और टिक रहे। बॉलिंग की बात करें तो आरसीबी में आज वापस से सिराज ने अपना ऑडिशन दिया, 10 से ऊपर की इकोनॉमी, कहने लगे आई एम बैक, बट विकेट 3 चटकाए जो कि जरूरत थी, और मैं कहूंगा वो 3 विकेट्स अगर आपको मिल रहे हैं और आप 43 रन दे रहे हैं तो मैं कहूंगा खराब बॉलिंग दो सौ नहीं है। चालीस पे अगर आप 43 रन दे रहे हैं और उसके बाद आप 3 विकेट्स ले रहे बिल्कुल हैं, वो भी क्रूशियल, अगर आप उनके विकेट भी देखें तो सारे मैं कहूंगा कि क्रूशियल विकेट से। शुरुआत में हमें जो देखने को, उनका पहला विकेट वो हमें देखने को मिला आशुतोष शर्मा, हमें पता आशुतोष शर्मा एक तरफा मैच निकाल देते हैं, हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह, ये 2 विकेट तो क्रूशियल नहीं है बट एवरेज मेन विकेट क्रूशियल विकेट जो था मेरी है आशुतोष। आशुतोष ही था। हाँ और उसके अलावा फिर देखे तो आज फर्ग्यूसन ने काफी इंप्रेसिव बॉलिंग करी, बाकी वो हमेशा 14-15 की कमी देते हैं, लेकिन आज 29 रन दिए और 2 विकेट। विल जैक्स एक मैं कहूंगा स्मार्ट चॉइस थे कि एक ओवर डलवाया, 5 रन दिए उन्होंने, वहां से आपको थोड़ा प्रेशर ही पड़ता है चार विकेट ले आने। और ड्यू पिच पे करण शर्मा ने जो 3 विकेट 3 ओवर में 36 रन दे के 2 विकेट लिए हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्वप्निल सिंह जब से आए हैं बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, और ये मयंक टागर की जगह खेल रहे हैं, और शुरुआत में हम इनको ज्यादा मौके मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि वही कॉम्बिनेशन आरसीबी ने बहुत लेट कर दिया, वरना इस टीम में अभी भी एक बार मैं अगर कहूंगा कि कैलिबर है। इस मैच के बाद अगर पॉइंट टेबल की बात करें तो आरसीबी जो है अभी भी बनी हुई कह सकते हैं, कहीं ना कहीं अगर कैलकुलेशन वगैरह देखी जाएंगी तो 12 मैचेस में
12 मैचेस, 10 पॉइंट हो गए, 5 मैच जीत चुके, 7 हार रहे हैं, अभी 2 मैचेस बचे हैं, दोनों मैच जीतेगी तो उसके बाद वो वही कैलकुलेशन वाली सीन है, 14 पॉइंट्स पर आपको दूसरी टीम के भरोसे बैठना पड़ेगा। पॉइंट्स टेबल में भी केकेआर टॉप पर है और बॉटम में है गुजरात टाइटंस, जी और गुजरात टाइटंस बाहर है, पंजाब किंग्स बाहर है, एमआई बाहर है, मतलब पंजाब किंग्स ऑफिशियली बाहर हो गई बिल्कुल। बात करें एमआई, एमआई भी बाहर चल रही है, तो कहीं ना कहीं अभी गुजरात की बात नहीं कहेंगे अब ऑफिशियली, क्योंकि 12 में 10 इनके भी हो सकते हैं, तो 14 पॉइंट्स तक पहुंच सकती है गुजरात, एक अभी भी सिनेरियो, लेकिन ये है कि पंजाब और लेकिन आप नेट रन रेट दो एलिमिनेट हो चुके, नेट रन रेट देखेंगे आप गुजरात का तो वो पॉसिबल नहीं है कि आप 3 मैचों में, इसीलिए गोडाउन के बाहर है जी। तो अभी फिलहाल इस मैच में तो यही था, और नेक्स्ट मैच की बात करें, कल के मैच में तो गुजरात टाइटंस वर्सेस सीएसके का मैच है अगला। सीएसके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरसीबी फैंस जो हैं वो इस मैच को बहुत अच्छे तरीके से जानना चाहेंगे कि क्या रिजल्ट रहता है अगर ये मैच चेन्नई हारती है, और 12 मैचेस में 12 पॉइंट रहते हैं, और अगला मैच जीत भी जाती है चेन्नई, तब भी आप लोग 13 मैच में 14 पॉइंट होंगे, और आखिरी मैच है सीएसके वर्सेस आरसीबी का, तो उस मैच में एक तरीके से क्वार्टर फाइनल वाला हो सकता है, क्योंकि लखनऊ का भी अगर देखें तो वो भी 14 पे पहुंच सकते हैं, दिल्ली फिर भी आरसीबी का मैच है, तो 12 में 12 है, टॉप 3 ऑलमोस्ट कंफर्म है, कोलकाता राजस्थान हैदराबाद, आई वुड से फॉर द फोर्थ पोजीशन चेन्नई और लखनऊ के बीच, चेन्नई दिल्ली लखनऊ बैंगलोर, मैं कहूंगा कि चारों अभी भी मैं कहूंगा कि चारों अलाइव हैं, एक मैच इधर से उधर हुआ, डीसी का आरसीबी से, अगर आप मैं वही कह रहा आप चाह रहे हैं आरसीबी पहुंचे तो डीसी को हराना पड़ेगा आरसीबी को जी। तो देखिए कल के मैच में आपसे फिर जुड़ जाएंगे फर्स्ट इनिंग हाइलाइट्स के साथ और जो पूरे मैच का हाइलाइट्स है उसके साथ, तब तक के लिए अभी हमारा एक और वीडियो आने वाला है केएल राहुल की, जो कल कंट्रोवर्सी थी, आप जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा, तब तक आप देखते रहिए डीएनए और जितने भी हमारे चैनल्स हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हमारे दोनों चैनल्स हैं डीएनए हिंदी इंडिया का और आप डीएनए इंडिया को, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन घंटी का आप बटन दबा दीजिए और आप जुड़ रहिए डीएनए के साथ।